वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू आवर कैरियर क्लासेस। आज हम बात करेंगे फिर से चैप्टर नंबर 10, लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट चैप्टर से ही न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल्स स्टैंडर्ड 10th में और लाइट चैप्टर में से मैक्सिमम बार बोर्ड एग्ज़ाम में आता है, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा फोकस रखने की ज़रूरत है। तो चालू करते हैं। न्यूमेरिकल से पहले हमें कुछ फॉर्मूला देखने पड़ेंगे, जैसे कि फर्स्ट वन है मिरर फॉर्मूला। तो द मिरर फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर्स इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ f। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमको न्यूमेरिकल्स में स्मॉल u कंसिडर करना है, इमेज डिस्टेंस को v कंसिडर करना है एंड फोकल लेंथ को स्मॉल f कंसिडर करना है। मिरर फार्मूला क्या है? 1/u + 1/v = 1/f। ठीक है, आपको ये फार्मूला यूज़ करके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। 1/u + 1/v = 1/f। तो ये मिरर फार्मूला है स्फेरिकल मिरर्स के लिए, आपको यही फार्मूला यूज़ करना है। कोई भी कभी भी मिरर फार्मूला जब आपको यूज़ करना हो तो यही फार्मूला से आपके ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मैग्नीफिकेशन पे। तो मैग्नीफिकेशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स इज़ द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्नीफिकेशन का क्या फार्मूला है? हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट हमको कंसिडर करनी है, उसे हमें डिवाइड करना है, तो जो भी आंसर आएगा वो वैल्यू होगी हमारे मैग्नीफिकेशन की। मैग्नीफिकेशन इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। मैग्नीफिकेशन का इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, उसका भी फॉर्मूला है। उसका फॉर्मूला है -v/u। तो मैग्नीफिकेशन होता है hi/ho - v/u यूज़ करना है। ठीक है, hi का मीनिंग है हाइट ऑफ इमेज, ho का मीनिंग है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये फार्मूलाज का हम यूज़ करके, ये सिर्फ तीन ही फार्मूला है, फर्स्ट वन मैग्नीफिकेशन यूज़ कर लो और ये दूसरा फार्मूला मिरर फार्मूला। ठीक है, ये दो फार्मूला यूज़ करके आप लोग सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। तो एप्लीकेशन जो है स्फेरिकल मिरर्स का, उसमें फर्स्ट वन है कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर इट इज़ यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू फोकस अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑन द पेशेंट ऑर्गन लाइक टीथ, थ्रोट, ईयर फॉर एग्जामिन ऑफ दीज पार्ट्स। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर का यहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास सबने देखा है, तो वो ग्लास किससे बनता है? कॉनकेव मिरर से। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर्स क्या होते हैं, मतलब रिफ्लेक्शन का यूज़ करके डॉक्टर्स लोग इसे देखते हैं। ठीक है, आपने अपने जिसके भी टीथ में कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो गया होगा, तो उसे वो इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी पोर्शन है जहाँ पे हम लोग देख नहीं सकते, तो बाय मीन्स ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज़ करके बाय मीन्स ऑफ रिफ्लेक्शन वो देखते हैं। ठीक है, सेकेंड वन है यूज्ड एज शेविंग मिरर्स। अब शेविंग मिरर में क्यों यूज़ होता है? शेविंग मिरर में इसलिए यूज़ होता है कि जो इमेज है, सिक्स इमेज फॉर्मेशन हमने देखी थी, जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो मैग्नीफाइंग बनता है। तो जब वो मैग्नीफाइड बनता है तो इसलिए शेविंग मिरर्स में क्या होता है, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा दिखना चाहिए। ठीक है, तो सॉरी इमेज फॉर्मेशन थोड़ा सा बड़ा दिखना चाहिए, इसलिए हम लोग शेविंग मिरर्स में भी कॉनकेव मिरर्स यूज़ करते हैं। यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स इन हेडलाइट ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड इन सर्च ऑफ लाइट विच मीन्स टू थ्रो लाइट ऑन अ लार्ज डिस्टेंस। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्टर्स की तरह भी यूज़ होता है। आप सब ने टॉर्च लाइट देखा होगा, टॉर्च लाइट के अंदर जैसे ही उसका जो जहाँ से रेज आती है वहाँ पे एक मिरर टाइप रखा होता है,
तो मिरर कौन सा यूज़ होता है वहाँ पे, कॉनकेव मिरर। क्यों? क्योंकि वो लास्ट डिस्टेंस तक अपना लाइट स्प्रेड कर सकें। नेक्स्ट, लार्ज मिरर्स आर यूज टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। ठीक है, तो लार्ज मिरर्स को हमको सनलाइट जो होती है उसको, जितने भी रेज आएंगे वहाँ पे सनलाइट के थ्रू क्या होता है सोलर फर्नेसेस में एनर्जी जनरेट होती है और उससे फिर कुकिंग वो सब हो सकता है। ठीक है, तो सोलर फर्नेसेस में भी मिरर्स का यूज़ होता है। तो हम सब ने पढ़ा है कि अगर पैरेलल रेज आती है इन्फिनिटी से तो वो कहाँ पे मीट करती है, फोकस पे मीट करती है। तो एक ही पॉइंट पे मीट करती है इन्फिनिटी से अगर रेज आएगी, तो सन की रेज भी इन्फिनिटी से आ रही है तो वो सारी रेज पैरेलली ड्रॉ जाएंगी और वो एक पॉइंट पर फोकस होगी तो एनर्जी जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा एक ही जगह पर। ठीक है, ये देखो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे, टीथ का टेस्टिंग ऑफ टीथ बाय कॉनकेव मिरर, बर्निंग मिरर, उसके बाद कॉनकेव मिरर इन टॉर्च लाइट, सोलर कुकर एंड हेडलाइट ऑफ अ कार। ठीक है, तो ये सब में यूज़ होता है कॉनकेव मिरर। इसके बाद आता है यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का ज़्यादा यूज़ नहीं है लेकिन कुछ यूजेस हैं, जैसे कि हम लोग बात करें तो रियर व्यू ऑफ व्हीकल, वो जितने भी साइड वाले जितने भी मिरर्स है साइड मिरर्स, वो सब में कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है। ठीक है, दूसरा है एज अ रिफ्लेक्टर इन स्ट्रीट लैम्प सो दैट लाइट स्प्रेड ओवर अ लार्ज रीजियन, मतलब रिफ्लेक्टर की तरह भी यूज़ होता है। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में आप सबको पता है कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसमें स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं लाइट के। ठीक है, नॉर्मल मिरर के कंपैरिजन में स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हुआ। अब हमको फटाफट पॉइंट्स पे आ जाना है न्यूमेरिकल सॉल्व करने, इसलिए तो सम पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हाइल डूइंग न्यूमेरिकल्स, गो थ्रू ऑल द फॉर्मूलाज, इमेज फॉर्मेशन एंड साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन सबको पता होना चाहिए। फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का होता है पॉजिटिव, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर का होता है नेगेटिव। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉन्वेक्स का नेगेटिव। इफ़ वैल्यू ऑफ एम इज़ पॉजिटिव, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी तो इमेज फॉर्मेशन क्या होने वाला है, इरेक्ट होने वाला है। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन जो होगा वो इरेक्ट होगा। इफ़ नेगेटिव देन इमेज इज़ इन्वर्टेड। अब सबको पता है अगर इरेक्ट इमेज होगा तो उसके साथ क्या बनने वाला है, इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा। अगर इन्वर्टेड इमेज बन रहा है तो उसके साथ क्या होगा, ऑब्जेक्ट रियल होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि इरेक्ट एंड इन्वर्टेड दोनों से कि नेचर ऑफ इमेज क्या आने वाला है। इफ़ वैल्यू ऑफ एम इज़ ग्रेटर देन वन देन इमेज इज़ लार्जर, इफ़ लेस देन वन देन इमेज इज़ स्मॉलर। सबको पता है रेशियो जो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो अगर वन से छोटा आया तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट की जो साइज़ है वो इमेज की साइज़ से बड़ी होगी। ठीक है, अगर वो ग्रेटर देन वन आया तो ऑब्जेक्ट की साइज जो है वो इमेज की साइज से छोटी होगी। तो फटाफट हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑफ एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, फाइंड द पोजिशन नेचर एंड साइज ऑफ द मिरर। तो आपको सबसे पहले कुछ पॉइंट्स को अंडरलाइन कर लेना है ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमें क्या चीज़ पूछा गया है क्वेश्चन में। जैसे कि फर्स्ट वन है, ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, ये आपको अंडरलाइन करना है। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका कितना गिवन है, 3 मीटर गिवन है। ठीक है, अब बस इज़ लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, मतलब यू की वैल्यू हमें दे दी है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, करेक्ट, कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का तो सबको फॉर्मूला पता ही है, तो यहाँ पे हमने यूज़ किया है उसका। रेडियस कितना है, +3, यू कितना है, -5, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव आप कंसिडर करते हो। आपको हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है एंड इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने फार्मूला यूज़ किया, एफ इक्वल्स टू आर अपॉन टू दैट इज 3/2, तो कितना आंसर आ गया, 1.5 मीटर। अब आपको फार्मूला यूज़ करना है किसका, मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला यूज़ किया, 1/u + 1/v = 1/f। अब आपने वैल्यू सारी पुट की तो यहाँ पे आप देखोगे ये माइनस में और आपको वी फाइंड करना है, तो ये वैल्यू कहाँ पे जाएंगे, सारे
राइट साइड जाएंगे, राइट साइड जाएंगे तो लेफ्ट साइड माइनस में, तो राइट साइड जाके वो वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉजिटिव वैल्यू आ गई है। इसके बाद आपने एलसीएम लिया 1.5 और 5 का, तो एलसीएम आया 7.5। एलसीएम के थ्रू आपने सॉल्व किया, तो 1.5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, जो 7.5 आए तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, जो 7.5 आए तो 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 5 प्लस 1.5 हो गया 6.5 अपॉन 7.5। अब ये जो आंसर था वो 1 अपॉन वी का था, हमें तो चाहिए वी, तो वी क्या होगा इसका रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल कर दिया हमने 7.5 अपॉन 6.5, तो आंसर आ गया 1.15। ठीक है, तो v की वैल्यू पॉजिटिव आया, तो साइन कन्वेंशन के थ्रू हमको पता है जब v की वैल्यू पॉजिटिव आए तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होता है, बिहाइंड द मिरर फॉर्म होता है। ठीक है, हम सबको साइन कन्वेंशन पता है, तो साइन कन्वेंशन में अगर v की वैल्यू पॉजिटिव हो तो वो कहाँ पे होता है, बिहाइंड द मिरर। अब मैग्नीफिकेशन का क्या फॉर्मूला है, माइनस v अपॉन यू, तो हमने वो पुट कर दिया, v की वैल्यू कितनी 1.15, v की वैल्यू 1.15, तो 1.15 माइनस में और u की वैल्यू भी माइनस में, तो दोनों माइनस माइनस कट और डिवीजन कर दिया, तो आ गया कितना 0.23। अभी हमने सीखा कि मैग्नीफिकेशन अगर लेस देन 1 आए तो क्या होता है, वो मैग्नीफिकेशन अगर लेस देन 1 आए तो क्या होता है, इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और मैग्नीफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आए तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि इमेज जो होगा वो इरेक्ट फॉर्म होगा। तो ये दो केस हमने देखे, तो दोनों केस से हमने इसका नेचर फाइंड कर लिया, अगर ऑब्जेक्ट इमेज इरेक्ट होगा तो वो वर्चुअल भी होगा, और साइज़ तो ये लेस देन वन है इसलिए 0.23। तो यहाँ पे लास्ट लाइन लिखी है, इमेज इज़ वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज बाय अ फैक्टर ऑफ 0.23, जो हमारा मैग्निफिकेशन आया वही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहाँ पे हमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन होगा उसके ऊपर से हमें नेचर फाइंड करना होगा। क्या तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की आपको हाइट क्वेश्चन में दे दिया, कुछ पॉइंट्स आपको इसमें देखने होते हैं, अंडरलाइन करना होता है क्वेश्चन में। तो ऑब्जेक्ट की साइज 4 सेंटीमीटर गिवन है, आपको u की वैल्यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर गिवन है, और मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर, जिसका फोकल लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर। तो हम सबको पता है कि फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो f की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 15 आएगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की साइज लिख दी हमने प्लस 4, u की वैल्यू लिख दी माइनस 25, फोकल लेंथ लिख दिया माइनस 15, इमेज डिस्टेंस एंड इमेज साइज हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फिर से मिरर फार्मूला का यूज़ किया, 1/v + 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, तो 1/v हमें क्या फाइंड करना था, इमेज डिस्टेंस, तो 1/v के लिए हमने ये u वाले टर्म को राइट साइड भेज दिया, तो 1/-15, f की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखो आप, f की वैल्यू है -15, मैं जूम आउट कर रहा हूँ तो आपको ध्यान से दिखेगा, f की वैल्यू -15, वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, तो 1/-15 माइनस 1/-25। अब ये वैल्यू माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया, तो यहाँ पे हमने प्लस लिख दिया, -1/15 प्लस 1/25। अब इसका आप एलसीएम लोगे 25 और 15 का, तो 25 और 15 का एलसीएम कितना आया, 75। तो 75 बनाने के लिए आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 15 को 5 से, 25 को किससे, 3 से, तो -5 + 3 कितना हो गया, -2, -2/75, लेकिन ये 1/v है, हमें तो इसका रेसिप्रोकल चाहिए, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 75/2, 75/2 होता है 37.5। अब जब v की वैल्यू नेगेटिव आती है तो क्या होगा, इमेज जो होगा वो सेम साइड ऑफ द मिरर बनेगा। ठीक है, अगर v की वैल्यू पॉजिटिव होता तो बिहाइंड द मिरर बनता,
लेकिन वी की वैल्यू नेगेटिव है, तो वी की वैल्यू नेगेटिव होगा तो सेम साइड ऑफ द मिरर बनेगा, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन हमने यूज़ किया, तो मैग्नीफिकेशन का यूज़ करके हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू, ये फार्मूला हमने यूज़ किया। अब हमें हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा, तो वी इंटू एच अपॉन यू। वी की वैल्यू कितनी, तो माइनस 37.5, यू की वैल्यू कितनी प्लस 4, और ये कितना माइनस 25, और ये माइनस तो था ही ऑलरेडी। तो ये सब को सॉल्व करने के बाद हाइट ऑफ इमेज हमारे पास कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज जो नेगेटिव में आया है माइनस 6, इसका मतलब है इमेज जो होगा वो इन्वर्टेड होगा। अगर इन्वर्टेड होगा तो उसके साथ हमेशा क्या आता है, रियल। तो यहाँ पे तो हमें इतना पता चल गया कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होने वाला है, ठीक है। अब हम दूसरा चीज करेंगे कि इसकी साइज़ देखेंगे, कंपेरिजन करेंगे। तो यहाँ पे कंपेरिजन करो कि हाइट ऑफ इमेज जो है वो माइनस 6 है एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो प्लस 4 है। तो यहाँ पे आपको साइन नहीं देखनी है, सिर्फ वैल्यू देखनी है कि 6 और 4 में से कौन सा ग्रेटर देन है। तो 6 ऑब्वियस सी बात है, 6 4 से बड़ा होता है, तो हाइट ऑफ इमेज बड़ी आई। तो हाइट ऑफ इमेज जब बड़ी होती है इसका मतलब क्या होता है, एनलार्ज इमेज फॉर्म हुआ है। तो लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, द इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एक ही ट्रिक है कि आपको बेसिक्स पे ध्यान देना है, ठीक है। अगर आप इस पे फोकस करेंगे तो न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर सकते हैं।